हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन विरकार्ट नीटिंग। गाइस, आज की वीडियो में मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ आपके लिए। बहुत शानदार पैटर्न है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मैंने आसान तरीके से बनाया है। अगर कोई भी मेरे डिट्टो कॉपी का बनाना चाहता है तो उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि हमने यहाँ से कैसे क्या करना है। तो पैटर्न भी बहुत आसान है और बॉर्डर भी बहुत आसान है। ये पैटर्न है जो, ये देखिए, इस कलर को सूट करता है और जो बॉर्डर है इस पैटर्न को सूट करता है। कुछ मुझे ये भी चाहिए था कि जब मैं इसके शोल्डर वगैरह बनाऊंगी तो मेरा, मुझे सारा मैच चाहिए था कि मैचिंग, जैसे मैं डबल बॉर्डर का ही शोल्डर बनाऊंगी, डबल बॉर्डर का ही गला बनाऊंगी, तो ये नीचे से बॉर्डर जो है उसके साथ मैच कर जाएगा। वैसे मैंने बना के देखा भी था पहले, दो बॉर्डर मैंने ट्राई किए थे नीचे, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगे। वो नीचे से तो नैरो हो जाता है, ऊपर से मेरा जो पैटर्न था वो ब्रॉड हो जाता था, तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। ये वाला बॉर्डर जो है इस पैटर्न को सूट करता है, तो इस वजह से मैंने इस पैटर्न को, बॉर्डर को अप्लाई किया है पैटर्न के साथ कि इसके साथ कुछ अच्छा सा चले। तो देखिए कितना प्यारा है, कितना पैटर्न ग्रेस दे रहा है, जितना ज़्यादा कहो उतना ही कम दे बोल सकते हैं हम। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए पहले इसकी जो ब्रेथ है वो मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम लेंथ मेजर करेंगे। अठारह इंच है ये, 18 इंच ब्रॉड है क्योंकि ये मैंने एक्सेल के लिए बनाया है, लेकिन फिर भी ये डबल एक्सेल को भी आ सकता है क्योंकि काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ये देखिए काफ़ी खुलता है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है इसमें। और अगर बात करूँ इसमें फंदों की, तो फंदे जो हैं मैंने 126 फंदे डाले हैं मैंने बैक पैनल में, और दो फंदे लिए हैं एज स्टिच के लिए, 128 हो जाते हैं। पेयर में बात करें तो पेयर में हमारा 128 का हो जाएगा, 64 पेयर बन जाएंगे हमारे। अगर हम इसका रीजन ये है मैंने इतने फंदे क्यों लिए, क्योंकि मेरी जो वूल है काफ़ी बारीक थी दूसरों के मुकाबले, तो इसीलिए मुझे कम से कम दो पैटर्न के फंदे हैं जो 16 फंदे हैं ये एक्स्ट्रा लेने पड़े अपनी फिटिंग को सेट करने के लिए। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरे इतने फंदों में कितने पैटर्न बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मेरे 17 डिजाइन बने हैं 128 फंदों में। अगर आप इससे कम करना चाहते हो तो एक पैटर्न कम कर लीजिए, ज़्यादा करना चाहते हो तो दो कर लीजिए। आप अपनी स्लिमनेस के अकॉर्डिंग ही स्टिचेस कास्ट ऑन कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग, और वूल के अकॉर्डिंग भी फंदे जो हैं, स्टिचेस जो हैं कास्ट ऑन किए जाते हैं कि आपकी वूल कैसी है, वूल पर डिपेंड करते हैं स्टिचेस। तो इसकी लेंथ देखते हैं हम, लेंथ सोलह इंच बनाई है मैंने। 16 इंच बनाने के बाद मैंने डिक्रीजिंग स्टार्ट की है। और अगर हम शोल्डर लेंथ की बात करें तो शोल्डर लेंथ है जो मेरी 8 इंच है, 8, ये देखिए 8 आ रहा है यहाँ पर, 8 इंच बन जाती है, तो काफ़ी सूटेबल है, कंफर्टेबल रहेगा इसमें, तो ज़्यादा टाइट अच्छा नहीं रहता तो वो चुभता रहता है। और इसके बाद जब हम डबल बॉर्डर का शोल्डर बनाएंगे तो सेट हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा इसमें। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में ही अपलोड करना है। जो फ्रंट पैनल है उसका वीडियो मैंने अभी नहीं बनाया, तो स्टार्ट नहीं किया बनाना मैंने वो पैनल, बनाऊंगी तो उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। जो उसकी बटन स्क्रिप्ट होगी ना, वो हमारी जो है बहुत ही यूनिक होने वाली है। जैसे मैंने इसमें इसको सूट करने वाला बॉर्डर बनाया है ना, तो वैसे ही हम इसको सूट करने वाली ही बटन स्क्रिप्ट बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी नहीं बनाएंगे, तो कुछ अलग, कुछ हटके बनाएंगे।
तो ये थी इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की मेजरमेंट। स्टिचेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैंने स्टिचेस डाले हैं, कितने डाले हैं, तो बहुत शानदार है, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो और बात करूं इसके पैटर्न की तो वो भी मैं आपको बता देती हूं कि कैसे हमने पैटर्न बनाना है। बहुत आसान है पैटर्न बनाना, एक बार बनाना आ जाता है तो काफ़ी इजीली बनता जाता है, बहुत जल्दी उभरता है ये बन के। मेरी बारीक भूल थी लेकिन फिर भी काफ़ी आसानी से मैंने बना लिया इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारा पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं अपनी नीडल पर। 16 तो लिए हैं मैंने दो पैटर्न के लिए, दो फंदे लिए हैं एक्स्ट्रा जो एज स्टिच लेने हैं हमने उसके लिए, टोटल हमारे 18 फंदे हैं। फर्स्ट रो से शुरू करेंगे, राइट साइड से पैटर्न शुरू होता है। फर्स्ट रो और राइट साइड, फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद एक दो, पहले दो फंदों को हमने आगे से दो का एक कर देना है, ऐसे करके दो का एक कर दिया आगे से। अब जब यहाँ पर एक फंदा कम हो चुका है तो जाली डाल देंगे, इस फंदे की कमी को पूरा करने के लिए जाली डालेंगे। एक फंदा सीधा सिंपल बना लेंगे, जाली डालने के बाद फिर से जाली डालेंगे और इन दो फंदों को फ्लिप कर लेंगे, ऐसे इनको पलटा लेंगे। पलटाने के बाद पीछे से हमने दो का एक कर देना है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन। तो देखिए यहाँ पर एज स्टिच को छोड़ के पहले मैंने दो का एक किया, उसके बाद जाली डाली, फिर सिंपल फंदा बनाया, फिर से जाली डाली, फिर से पीछे से दो फंदों का एक किया और तीन फंदे उल्टे बना लिए। ये हमारे 8 फंदे हो जाते हैं। इन्हीं 8 फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। दूसरा पैटर्न बनाएंगे, अब धागा पीछे कर लेते हैं, इन दो फंदों को आगे से दो का एक कर देंगे। जाली डालेंगे, एक फंदा सिंपल सीधा, फिर से जाली डालेंगे, इन दो फंदों को ऐसे हमने फ्लिप कर लेना है। पलटाने के बाद पीछे से दो का एक कर देंगे, ऐसे करके धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। धागा पीछे करके एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। तो ऐसे हमारी राइट साइड से फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ गए रॉन्ग साइड सेकंड रो पर। धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे जो हमने उल्टे बनाए थे उनको सीधा बना लेंगे, एक दो तीन। धागा अपनी तरफ करके पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। यहाँ पर देखिए एज स्टिच को छोड़ के तीन फंदे मैंने सीधे बनाए, पांच फंदे उल्टे बनाए, 8 फंदे हो जाते हैं। इन्हीं 8 फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर पैटर्न रिपीट हो रहा है, दूसरा पैटर्न बनने जा रहा है। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। धागा अपनी तरफ करके पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच। एज स्टिच को भी हम उल्टा बना लेंगे। तो ऐसे हम आ चुके हैं थर्ड रो राइट साइड, तीसरी सिलाई पर सीधी तरफ। सीधी तरफ से हम फिर से पैटर्न अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे, चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार। चार फंदे सीधे बनाए, धागा रैप करके जाली डालेंगे, इन दो फंदों को फ्लिप कर लेंगे और पीछे से हमने दो का एक कर देना है। धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, एक दो।
यहाँ पर देखिए एज स्टिच को छोड़ के पहले मैंने चार फंदे सीधे बनाए, जाली डाली, दो फंदों को पलट के हमने पीछे से दो का एक किया और दो फंदे उल्टे बना लिए। इन्हीं आठ फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। धागा पीछे करेंगे और पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, जाली डालेंगे, इन दो फंदों को ऐसे पलटा लेंगे और पीछे से दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फोर्थ रो रॉन्ग साइड। फोर्थ रो में फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो, धागा अपनी तरफ करके छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे सीधे बनाए, सॉरी उल्टे बनाए, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर, दो फंदे सीधे आ जाएंगे। दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करके छः फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः, एज स्टिच को भी हम उल्टा बना लेंगे। तो ऐसे हमारी फोर्थ रो जो है कंप्लीट हो जाती है रॉन्ग साइड से। फिफ्थ रो राइट साइड। फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे और पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, जाली डालेंगे, धागा रैप करके इन दो फंदों को ऐसे पलटा लेंगे। पलटाने के बाद पीछे से हमने दो फंदों का एक फंदा बना देना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। यहाँ पर देखिए एज स्टिच को छोड़ के पांच फंदे मैंने सीधे बनाए, फिर एक जाली डाली, फिर दो फंदों का एक फंदा किया, पीछे से एक फंदा उल्टा बनाया, आठ फंदे हो जाते हैं हमारे। इन्हीं आठ फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर, दूसरा पैटर्न बनने जा रहा है। पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे बनाने के बाद जाली डालेंगे और इन दो फंदों को फ्लिप कर लेंगे, फिर पीछे से दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। दो पैटर्न बन चुके हैं हमारे, एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। तो ये थी हमारी फिफ्थ रो राइट साइड। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड में एज स्टिच को स्लिप कर लीजिए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके सात फंदे उल्टे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पर हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है रॉन्ग साइड से। एज स्टिच को छोड़ के एक फंदा सीधा बनाया, सात फंदे उल्टे बनाए। तो इन्हीं आठ फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, पैटर्न रिपीट हो रहा है, सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एज स्टिच को भी हम उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह हमारी सिक्स्थ रो कंप्लीट हो जाती है रॉन्ग साइड से। सेवन्थ रो। सेवन्थ रो में क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, एज स्टिच को स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, इन दो फंदों को एक दो, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद एक दो, ये दो फंदे लेंगे, आगे से दो का एक कर देंगे, जाली डाल देंगे, एक फंदा सिंपल सीधा बना लेंगे, फिर से जाली डालेंगे और इन दो फंदों को फ्लिप करके पीछे से दो का एक कर देंगे। तो यहाँ पर गौर से देखिए एज स्टिच को छोड़ के तीन फंदे मैंने उल्टे बनाए, फिर दो फंदों का एक फंदा किया, आगे से जाली डाली, एक फंदा सिंपल सीधा बनाया, फिर से जाली डाली, दो फंदों को पलट के मैंने पीछे से दो का एक कर दिया।
8 फंदे हो जाते हैं हमारे यहाँ पर, और इन्हीं 8 फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को लेंगे और आगे से नीडल इंसर्ट करते हुए 2 का 1 कर देंगे, जाली डालेंगे धागा रैप करके, 1 फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे धागा रैप करके और इन 2 फंदों को ऐसे पलट के हमने 2 का 1 कर देना है एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। तो ऐसे हमारी 7th रो राइट साइड से कंप्लीट हो जाती है। 8th रो पर आ चुके हैं हम, 8th रो रॉन्ग साइड, एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे, 5 फंदे बनाएंगे उल्टे, 1 2 3 4 5 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 यहाँ पर एक पैटर्न सेट हो जाता है रॉन्ग साइड में। एज स्टिच को छोड़ के 5 फंदे उल्टे बनाए, 3 फंदे सीधे, इन्हीं 8 फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। धागा अपनी तरफ करके पैटर्न रिपीट हो रहा है, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। तो ऐसे हमारी 8th रो कंप्लीट हो जाती है रॉन्ग साइड से। अब हम आ गए हैं राइट साइड में 9th रो पर। 9th रो में एज स्टिच को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 धागा पीछे करेंगे, 1 उल्टा फंदा लेंगे और 1 सीधा, आगे से नीडल इंसर्ट करके हमने 2 का 1 कर देना है, जाली डाल देंगे, 4 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर देखिए हमारा एक पैटर्न सेट हो चुका है। जस्ट स्टिच को छोड़ के 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर 2 फंदों का आगे से एक किया, जाली डाली और 4 फंदे सीधे बना लिए। इन्हीं 8 फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 1 उल्टा फंदा लेंगे, 1 सीधा और आगे से नीडल इंसर्ट करके 2 का 1 कर देंगे, ऐसे जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 एज स्टिच को भी हमने सीधा बना लेना है। तो ऐसे हमारी 9th रो कंप्लीट हो जाती है राइट साइड से। 10th रो पर आ चुके हैं, 10th रो रॉन्ग साइड, एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे और 6 फंदे बनाएंगे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2 यहाँ पर देखिए एज स्टिच को छोड़ के 6 फंदे उल्टे बनाए, 2 फंदे सीधे, 8 फंदे हो जाते हैं। इन्हीं 8 फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 6 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, एज स्टिच को भी हम उल्टा बना लें। तो ऐसे हमारी 10th रो कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ गए हैं 11th रो राइट साइड में। 11th रो राइट साइड में फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, आगे से 1 उल्टा फंदा लेंगे और 1 सीधा फंदा, ऐसे करके जाली डाल देंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर देखिए एज स्टिच को छोड़ के 1 फंदा उल्टा बनाया, 2 फंदों का 1 फंदा किया, आगे से 1 जाली डाली, फिर 5 फंदे सीधे, 8 फंदे हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। इन्हीं 8 फंदों को पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाएंगे। पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 1 उल्टा फंदा लेंगे, 1 सीधा, 2 का 1 कर देंगे, आगे से
जाली डाल देंगे। पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, एज स्टिच को भी हमने सीधा बना लेना। तो इस तरह हमारी 11th रो कंप्लीट हो जाती है राइट साइड से। 12th रो रॉन्ग साइड, 12th रो फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे, सात फंदे बनाएंगे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। यहाँ पर देखिए एज स्टिच को छोड़ के सात फंदे मैंने उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा बनाया। इन्हीं आठ फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा और एज स्टिच को उल्टा बना लें। इसी के साथ हमारा एक पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाता है बनके। बड़ा ही आसान है, बहुत शानदार है। देखिए तो कितनी आसानी से बनके रेडी हो चुका है। तो आप भी ट्राई कीजिए, अगर आपको ये पैटर्न पसंद आए तो आप भी कोई प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कहें शेयर कीजिए मेरे साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फर्स्ट जो फ्रंट पैनल है मैं बनाऊंगी, तो उसका वीडियो आप अपलोड करूंगी और शेयर करूंगी आपके साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।